हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अभियांत्रिकी गुरु में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आधार को सिम कार्ड से कैसे लिंक कराना है और अपने सिम कार्ड को आधार से कैसे रीवेरिफिकेशन कराना है। दोनों चीज़ें अलग है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। तो इसका जो टाइम है वो फरवरी तक है, तो बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपको रेड बटन दिख रहा होगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि आपने जब अपना आधार कार्ड बनवाया होगा उस टाइम पे अपना एक नंबर दिया होगा, ठीक है। अब आप कोई भी चीज़ करते हैं, वेरिफिकेशन वगैरह, या फिर आप उसकी वेबसाइट पे जाते हैं जो आधार कार्ड की है, वहाँ पे आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपके नंबर पे OTP आता है, तो वो नंबर जो है आपके आधार कार्ड से लिंक हो गया, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात, आप जितने भी नंबर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी नंबर खरीदते समय हमें एक फ़ोटो ID की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हम लोग अपना जो है वोटर ID देते थे, अभी हम आधार कार्ड देने लगे हैं, तो वैसे ही हमारे पास बाकी जो नंबर हैं उन नंबर को आधार कार्ड से रीवेरिफिकेशन कराना है। मतलब अगर आपने आधार कार्ड को दे करके भी अपना नंबर आपने खरीदा है, आपने लिया है अपना नंबर, तो आपको क्या करना होगा, पास के किसी रिटेलर के पास जाना है, जो भी है आपका एयरटेल आइडिया, जो भी है BSNL वगैरह, किसी भी ऑफिस में उनके जाना है, वहाँ पे जाना है कि मेरा ये नंबर है, रीवेरिफिकेशन कराना है। तो वो लोग क्या करेंगे, आपका आधार कार्ड नंबर लेंगे और आपका नंबर लेंगे जो आप यूज़ कर रहे हैं, उन दोनों को मैच करा देंगे, और बायोमेट्रिक यानी कि अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो लेते हैं, वो लेने के बाद आपको वो आधार कार्ड से वो मैच करके देखेंगे, मैच हो जाएगा फिर आपका रीवेरिफिकेशन हो जाएगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से आया था, गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी फर्जी सिम जो लोगों ने ले रखे हैं उनको हम लोग क्या है बंद कर देंगे। देखिए, अगर आप रीवेरिफिकेशन नहीं कराते हैं इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने जो सिम ली है वो या तो किसी दूसरे के उससे ली है, किसी दूसरे के आधार कार्ड से लिए, क्योंकि यहाँ पे वही व्यक्ति उस ऑफिस में जाएगा जिस व्यक्ति ने अपना आधार कार्ड दे करके वो नंबर लिया है, कोई दूसरा व्यक्ति जा करके नहीं कर सकता। अगर वो आधार कार्ड दे भी देता है तो फिंगरप्रिंट्स वगैरह है वो उसी व्यक्ति के चाहिए जिसका आधार कार्ड है, तो ये सारे रीवेरिफिकेशन वो कराना चाहता है। गवर्नमेंट का कहना है ये है कि उनके पास एक आधार कार्ड नंबर है जिससे वो किसी भी व्यक्ति की पूरी डिटेल जान सके कि उसके पास कितने सिम हैं, कितने उसके अकाउंट नंबर है, क्या है, पूरा ट्रांजेक्शन वो लोग पता कर सकें। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई भी फ्रॉड करता है या कुछ भी है तो उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ वो एक इंडेक्स बनाना चाह रही हैं जिसके थ्रू, मतलब आपकी जो आधार कार्ड है उसके थ्रू आपकी जो जो मतलब है इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन वो लोग पता कर सके, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सिम कार्ड से, ये बंदा है इसके पास ये वाला सिम कार्ड है। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी आप ऐप डाउनलोड करें फिर उसमें जाकर के रजिस्टर करें, ऑनलाइन इसका कोई भी तरीका नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले मतलब निकाला था बीच में कि आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन उसको बंद कर दिया, क्यों, क्योंकि क्या हुआ, बहुत सारे फर्जी बाड़े हुए ऑनलाइन में, वो लोग क्या करते थे कि किसी दूसरे का आधार कार्ड अपने से लिंक करवा लेते थे। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आपके नज़दीक में कोई ना कोई स्टोर जो है, या फिर कोई भी वोडाफोन आइडिया, कोई किसी ना किसी का ऑफिस आपके नज़दीकी में मिल ही जाएगा, आप वहाँ पर जाइए, 5 से 10 मिनट मेरे ख्याल से लगेंगे वेरिफिकेशन में अगर वो लोग फ्री हुए तो, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इससे क्या है कि आप गवर्नमेंट को कोऑपरेट करेंगे तो आपकी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा बढ़िया है। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको आधार कार्ड का लिंक एक नंबर से है जो आपने जब बनवाया था, जब आपने अप्लाई किया था उस टाइम पे दिया था, और अभी आपके पास जो बाकी नंबर हैं वो सारे के सारे उससे लिंक होने चाहिए जिससे ये पता लग जाए कि आप वो नंबर जो हैं आप ही के हैं। ये दोनों चीज़ें अलग है, मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, फिर मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।